सचिन पायलट ने भी कांग्रेस में बने रहने और पार्टी को मजबूत बनाने के दावे भी किए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर कांग्रेस को सताए या यूं कहे खाए जा रहा है। पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो कितना असर होगा, इसी डर के बीच सीएम अशोक गहलोत के संकट मोचक कहे जाने वाली शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ की टीम संभावित डैमेज कंट्रोल को लेकर कवायद में जुट गई है। वहीं सूत्र बताते हैं कि पार्टी के प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा भी वॉर रूम में बैठकर पायलट की वजह से होने वाले नुकसान का आकलन कर रहे हैं। रंधावा के फीडबैक के आधार पर गहलोत के त्रिदेव शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ पायलट खेमे के हर नेता को टटोल रहे हैं और उनको सीधे सीएम से मिलवाने के काम में जुटे हुए हैं। गहलोत सरकार के ही एक नेता कहते हैं कि पायलट के लिए कांग्रेस में ज्यादा संभावनाएं बची नहीं है। पायलट फेस सेविंग के साथ अपना हक सुनिश्चित करना चाहते हैं। वहीं गहलोत महाभारत की तर्ज पर सुई की नोक जितनी जगह देने को तैयार नहीं। गहलोत भले ही मुस्कुराकर समझौते की बात कर रहे हों, सच यही है कि पायलट उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस पायलट के संभावित कदम को लेकर चौकन्नी है, लेकिन पायलट पार्टी में ससम्मान बने रहे ये सुनिश्चित करने की स्थिति में भी नहीं। लिहाजा सबकी निगाह स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि यानी कि 11 जून पर टिकी है। खुफिया सूत्रों ने भी प्रगतिशील कांग्रेस या राजस्थान जनसंघर्ष समिति जैसे नामों के साथ पायलट की भावी रणनीति पर सत्ता के गलियारों तक अपनी रिपोर्ट पेश की है, यानी जल्द ही पायलट के किसी भी बड़े कदम की ओर इशारा किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पायलट 11 जून को ही कुछ बड़ा ऐलान करेंगे? सरकार तक पहुंच रही सूचनाएं तो इसी तरफ इशारा कर रही है, लेकिन सचिन पायलट के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखने वाले गहलोत खेमे के ही एक मंत्री के मुताबिक वो इतना जल्दी कोई फैसला करेंगे ऐसा लगता नहीं। इसके पीछे की वजह वो बताते हैं कि पायलट 11 जून को भावुकता के साथ ऐसा ऐलान करेंगे ये संभव नहीं। पायलट परिवार के प्रति लोगों का सम्मान राजस्थान तक ही सीमित नहीं, गुजरात से जम्मू कश्मीर तक इस परिवार का बड़ा प्रभाव है। पायलट अगर कोई बड़ा फैसला लेंगे तो उसका ऐलान दौसा में नहीं दिल्ली से होगा। दिल्ली में पायलट बड़ी रैली करते हैं तो दिल्ली ही नहीं हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी जबरदस्त भीड़ जुटेगी। इसकी वजह से कांग्रेस लंबे समय तक चैन की नींद भी नहीं ले पाएगी। मंत्री इससे अपना आकलन करार देते हैं, लेकिन लगता यही है कि पायलट पहली बात तो कांग्रेस में बने रहेंगे, अगर बाहर की राह पकड़ी तो ऐलान दौसा में नहीं दिल्ली में होगा। और उस मंच पर कांग्रेस से निकल अपना अपना वजूद साबित करने वाले शरद पवार, ममता बनर्जी और जगनमोहन रेड्डी जैसे नेता भी हो तो आश्चर्य नहीं। जाहिर है कांग्रेस इन सभी संभावनाओं को देखते हुए पायलट को नहीं पायलट के समर्थकों को साध रही है।